हेलो गाइस, वेलकम टू टाइटनिंग गिटार इस चैनल। मैं हूं नितिन चरणित्य। आज हम बात करने वाले हैं पहले 1000 सब्सक्राइबर्स मैंने कैसे गेन किए थे। आप अगर यूट्यूब पे चैनल खोलना चाहते हैं, अपना स्टार्टिंग करना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, तो आप वहां पे जो है पहले 1000 सब्सक्राइबर्स जो है वो कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में सारी हम बात करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहेगा, बड़ी छोटी सी वीडियो आएगी, सिर्फ 2-3 मिनट में आपका टाइम लेना चाहूँगा, उससे ज़्यादा आपका टाइम जो है वो यहाँ पर नहीं लेंगे हम। तो लास्ट तक बने रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब करके जाइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नीश की, जो आपका नीश माने तो टॉपिक है ना, किस चीज़ के बारे में आप जो है वीडियोस बनाना चाहते हैं। अगर आप यूट्यूब पे चैनल अपना ओपन कर रहे हैं तो एक उसका नीश क्या रखना चाहेंगे। जैसे मेरा नीश क्या है, म्यूज़िक है, मैं म्यूज़िक के बारे में ही बात करता हूँ, साथ में मैं व्लॉगिंग का भी एक अलग प्लेलिस्ट पे बात कर लेता हूँ। बट जो मेरा मेन नीश है, प्राइमरी में जो आपका नीश आता है वो आपका, उसके बारे में आपको जो है हफ्ते में या वीक में सिर्फ 2 से 3 बार आपको वो नीश के बारे में जो वीडियो डालनी ही पड़ेगी। तो पहला आता है आपका नीश, आप उसमें सेलेक्ट करें कि आपका नीश क्या है और उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए जिसके बारे में भी आप वीडियो जो है बनाने जा रहे हैं। अगर पूरी नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज पूरी गेन करें, फिर आप उसके बारे में वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारा आता है कि उसका नाम क्या रखें, चैनल का नाम बिल्कुल अच्छा सा कैची सा नेम रखें और जो लोगों को याद रहे, बिल्कुल यूनिक नेम रखें ताकि लोग उसको फट से जो है सर्च करें और उनको जो है वो मिल जाए, ठीक है जी। तीसरा है कंसिस्टेंसी, कि आपको जो है वो स्टार्टिंग में डेली, अगर डेली नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के तो प्लीज़ वीडियो आपको डालना ही पड़ेगा, जितना आप वीडियो डाल सकते हैं स्टार्टिंग में भर के डालें। और स्टार्टिंग में आप क्या करें कि पहले वीक में अगर आप 4 वीडियोस डाल रहे हैं तो देखें कि 4 वीडियोस में कौन सी वीडियोस पे ज़्यादा अच्छे व्यूज़ हैं, कितने वॉच टाइम उस पर आए हैं, कितना लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है नेक्स्ट वीक में आप उसके रिलेटेड ही टॉपिक बनाएं और देखें कि आपका जो है उसके रिलेटेड टॉपिक के आपके नेक्स्ट वीक में कितने व्यूज़ बढ़े हैं उसके साथ के जो रिलेट कर रहे हैं टॉपिक, ठीक है। ऐसे ही तीसरे वीक में देखें कि ओवरऑल जो पहले 2 हफ्तों के थे आपके, वहाँ पर कितने ज़्यादा व्यूज़ किस वीडियो पर जा रहे हैं, तो उसके रिलेटेड फिर से 3rd वीक में टॉपिक बनाए। तो ऐसे करके आपको जो है वो कम से कम भी 2 महीने आपको ऐसा करना है। तो जब आपके 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसमें देखना कि अगर आपके जो है व्यूज़ और वॉच टाइम कितना अच्छा बढ़ा है, कितना नहीं बढ़ा है, ठीक है। जिन जिन वीडियोस पे बढ़ा है सिर्फ उन्हीं वीडियोस पे काम करें, उन्हीं टॉपिक्स पे काम करें, और जो 3rd मंथ आपका शुरू होगा ना उसमें जो है आपके रियल वाले सब्सक्राइबर जो है बढ़ने शुरू होंगे। और अगर आपके 100 सब्सक्राइबर्स या 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं पहले ही मंथ के अंदर, तो आपके वो 200 से 500 हो जाएंगे अगर आप बिल्कुल सही तरीके से चलेंगे। दूसरी बात यह है कि अपनी वीडियो को बार बार शेयर ना करें, सारे व्हाट्सएप पे शेयर कर दी, सब जगह फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे शेयर कर दी, स्टार्टिंग में जो लोग गलतियां करते हैं वो बिल्कुल ना करें। यूट्यूब को खुद लोगों तक पहुंचाने दें सर्च के थ्रू, जो यूट्यूब का जो है एल्गो काम करता है, खुद लोगों को शेयर मत कीजिएगा, उससे बिल्कुल ही गलत इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है जी। ये ना हो कि खुद लोगों के फ़ोन पकड़े और सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। तो आपको वही सब्सक्राइबर चाहिए जो आपके टॉपिक को पसंद कर रहे हैं, ठीक है जी। वो सब चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है। और स्टार्टिंग में मैं ये नहीं बोलता कि आप गुड इक्विपमेंट्स यूज़ करें, आप कैमरा ले आए, DSLR लाइट सिस्टम पूरा लगा लें वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आईफोन घर में किसी के पास भी पड़ा है तो आईफोन से स्टार्ट करें, ठीक है जी। थोड़ा सा लाइट, 1-2 बल्ब आप लगा सकते हैं वाइट स्टार्टिंग में, जो भी आपका लाइट सेटअप रहेगा, तो ज़्यादा पैसा ना लगाए स्टार्टिंग में। और ऐसे करते करते फॉर श्योर आप 3 मंथ्स के अंदर जो है वो 1000 सब्सक्राइबर्स पा लेंगे। ये जो लोग वीडियोस बना रहे हैं कि एक दिन में सब्सक्राइबर कैसे पाएं 1000 या 1 महीने में कैसे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करें, सब चीज़ें जो है फेक हैं। रियलिटी की हम बात करेंगे, जो रियल में होती हैं चीज़ें वैसा ही आपका चैनल ग्रो होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई भी जादू कर देगा और आपके 1000 सब्सक्राइबर जो है वो आ जाएंगे, ठीक है जी। हर एक चीज़ को टाइम लगता है, तो कम से कम 2-3 महीने के बीच बीच में आपका चैनल बिल्कुल 1000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लेगा, अगर आप जो मैंने सारी अभी बातें बताई, इन सभी बातों के गौर करते हुए इन सभी को फॉलो करोगे, ठीक है जी। तो आपको जो है 1000 सब्सक्राइबर्स 3 महीने के अंदर अंदर जो मिल जाएंगे, ठीक है जी। और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सिर्फ 3 या 4 मिनट की वीडियो बनेगी, ठीक है हमारी। हमने सारी मेन बातें डिस्कस की है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय, जय हिंद।